أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मुफिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज का हमारा 25वां लेक्चर है। दोस्तों आज की क्लास से हम लोग जो है अपना एक नया मॉड्यूल आपके कोर्स का जो है मॉड्यूल 9 जिसको हमने बैड डेट और डाउटफुल बैड डेट के नाम से है इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का भी जो टॉपिक है वो बैड डेट, डाउटफुल बैड डेट और प्रोविजन के हवाले से है। दोस्तों हमारी ये क्लास नंबर 25 और क्लास नंबर 26 यानी कि दो क्लासेस जो हैं वो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर यानी बैड डेट के हवाले से हैं। दोस्तों इस क्लास के अंदर हम लोग जो है देखेंगे कि बैड डेट्स क्या होते हैं, डाउटफुल बैड डेट्स क्या होते हैं और प्रोविजन क्या होती है, ये प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं आज की इस क्लास से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों हम जो है एक नया मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं तो इसलिए हमने जो क्लास 24 के ऊपर मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी आज उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। उम्मीद है कि सब लोगों ने ठीक से उसको कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी क्लास का जो आज का टॉपिक है वो बैड डेट्स है। हम देखेंगे बैड डेट्स क्या होते हैं, डाउटफुल बैड डेट्स क्या होते हैं, प्रोविजन क्या होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स क्या होते हैं, इसके साथ ही हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे और आखिर के अंदर आपको हफ्ते रिवायत एक एक्सरसाइज दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे हमने जो बैड डेट्स पढ़ रहे हैं ये बैड डेट्स बेसिकली होते क्या हैं। बैड डेट्स इज द अमाउंट दैट इज नॉट रिकवर फ्रॉम द डेटर्स आर द अमाउंट विच इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल। दोस्तों आपको तो पता है कि हमारा जो कारोबार है इसकी एक सेल होती है। अब सेल जो है वो कैश बेसिस के ऊपर भी होती है और क्रेडिट बेस के ऊपर भी होती है। हमारी जो कैश बेस के ऊपर सेल होती है इसमें तो हम जो है उसी वक्त कैश वसूल कर लेते हैं, लेकिन हमारी वो सेल जो क्रेडिट बेस के ऊपर होती है इसमें हमने पैसे अभी वसूल करने होते हैं। इसके अगेंस्ट जो है वो हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं यानी कि वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। अब जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पैसे नहीं देते या वो ये कहते हैं कि हमने आपके तो पैसे देने ही नहीं हैं। तो ऐसी तमाम अमाउंट जिसमें हमारे डेटर्स ये कहें कि हमने पैसे नहीं देने या हमने पैसे दे दिए हैं, तो ऐसी सारी अमाउंट जो है वो हमारी बैड डेट कहलाती है। दिस इज कंसीडर द लॉस ऑफ द बिजनेस एंड चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसी भी कारोबार का जो है लॉस होता है, नुकसान होता है और ये जो है हम चार्ज करते हैं हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको। इसके साथ ही हमारी दूसरी जो टर्म है जो आज के क्लास में हम देखेंगे वो है डाउटफुल बैड डेट्स। बैड डेट्स का तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी अमाउंट जो हमें रिकवर नहीं होती या वसूल नहीं होती। अब डाउटफुल बैड डेट्स क्या होते हैं? डाउटफुल बैड डेट्स आर द अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स वेयर There is high risk that it will not be recovered. कि हमें 100% यकीन है कि इस बंदे ने हमारे पैसे वापस नहीं करने। These are all doubtful bad debts. For example, हम ये कहते हैं कि हमारे जो debtors हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने हैं वो 1,00,000 के हैं। उसमें से हम ये कहते हैं कि 20,000 की जो amount है ये हमारी bad debts है। उसमें 20,000 में मैं ये कहता हूं कि 5,000 की अमाउंट जो है वो एक ऐसी अमाउंट है जिसका हमें 100% यकीन है कि ये हमें वापस नहीं मिलने। अब जो बैड डेट्स हैं इसमें सम टाइम जो है वो हमें पैसे आ भी जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 20,000 जो है वो हमारे बैड डेट्स हैं। अब उसमें 15,000 की जो है वो गुंजाइश है कि ये वापस आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको बैड डेट्स कहा।
और 5 बार की अमाउंट ऐसी अमाउंट है जिसका हमें 100% यकीन है कि ये अमाउंट रिकवर नहीं होनी, तो इसलिए इसको हम जो है वो डाउटफुल बैड डेट्स कहेंगे। दोस्तों चाहे हमारे पास बैड डेट्स हों चाहे हमारे पास डाउटफुल बैड डेट्स हों, बिजनेसेस इसको जो है एज अ लॉस ही कंसीडर करते हैं, और इससे बचने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स। अब हम देख लेते हैं कि प्रोविजन आपके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी है, हम सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं कि प्रोविजन बेसिकली होती क्या है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रोविजन इज द अमाउंट, ये एक ऐसी अमाउंट है द बिजनेस सेव फॉर द एक्सीडेंटल फायर या अर्थ के क्लॉस लाइक बैड डेट्स, जिसको कारोबार एक साइड पर रख लेता है और ना कहानी सूरत हाल के लिए, जैसे आपको वलगला आ गया उससे आपकी कंपनी इफेक्ट हो गई, तो उसको पूरा नुकसान को पूरा करने के लिए उस प्रोविजन का यूज किया जाता है, या आपका कंपनी में आग लग गई उसके लिए भी प्रोविजन रखी होती है और उससे वो आपका नुकसान पूरा कर लिया जाता है, या आपको पता है कि जी आपके बैड डेट्स होंगे इसके लिए भी हम प्रोविजन निकाल के रख लेते हैं ताकि अगर कोई बैड डेट्स हों तो हम वो नुकसान उस प्रोविजन से पूरा करके और हमारा जो कारोबार है वो वैसे का वैसे ही चलता रहे। तो ये है दोस्तों प्रोविजन। दोस्तों हमने बैड डेट्स को देखा, हमने डाउटफुल बैड डेट्स को देखा, हमने प्रोविजन को देखा। अब हम ये देख लेते हैं लगे हाथों कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इनकी जो एंट्रीज हैं वो हम कैसे करते हैं। दोस्तों आपको पहली जो एंट्री नजर आ रही है वो है एट द टाइम ऑफ बैड डेट्स, कि जब आपके बैड डेट्स क्रिएट होंगे उस वक्त हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट को जो है वो हम डेबिट करेंगे और डेटर्स के अकाउंट को जो है हम लोग क्रेडिट करेंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री आपको नजर आ रही है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स, कि अब हमने जो है वो प्रोविजन क्रिएट की है बैड डेट्स के लिए, तो हम बैड डेट्स के अकाउंट को जो है वो डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स को जो है वो हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आगे जो एंट्री है वो क्या है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारी जो प्रोविजन है बैड डेट्स की वो इंक्रीज होती है तो फिर हम क्या से एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अगर प्रोविजन इंक्रीज हो सकती है तो प्रोविजन जो है वो डिक्रीज भी तो हो सकती है, अगर हमारी प्रोविजन डिक्रीज होती है तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स को डेबिट करेंगे और बैड डेट्स अकाउंट को जो है हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसके साथ ही आगे एंट्री हमें दी गई है बैड डेट्स रिकवर्ड। ये मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ अमाउंट जो है वो बैड डेट्स में ऐसी भी होती है जो सम टाइम हमें मिल जाती है या रिकवर हो जाती है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को जो है हम लोग डेबिट करेंगे और बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट को जो है हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आगे जो एंट्री है वो है डिस्काउंट अलाउ की, कि हम सम टाइम अपने जो हमारे डेटर हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं इनको हम जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ रियायत दे देते हैं, तो वो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ जो है हमारा अकाउंट वो डेबिट होगा और डेटर्स का जो अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होगा। इसके बाद आखिरी जो एंट्री है वो है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स, कि हम डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, कि हमें पता है कि बैड डेट्स होंगे हमने उनको डिस्काउंट देना, उसके लिए भी प्रोविजन रखी जाती है, तो हम लोग जो है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट को जो है वो हम डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट को जो है हम लोग क्रेडिट करेंगे। दोस्तों ये तो थी एंट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं आज की ही इसी क्लास में जब एग्जांपल लूंगा तो उसके थ्रू आपको ये करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने जो है इसको करना है। तो अगली स्लाइड के ऊपर जो है हम लोग आज की अपनी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, हम जो है डायरेक्टली इस एग्जाम्पल के जो है वो सोल्यूशन की जानिब जाते हैं, वहां पे जो है मैं आपको बारी बारी साथ साथ ही समझाता जाऊंगा। ये राइट साइड के अंदर आपको वो कंप्लीट एग्जाम्पल भी नजर आ रही है और लेफ्ट साइड पे जो है हमने इसको सॉल्व करना है, बारी बारी मैं आपको चीजें समझाता जाऊंगा यहाँ से पॉइंट्स के थ्रू, ताकि आपको साथ सोल्यूशन भी समझ आ जाए। इसमें देखिए पहली लाइन लिखी हुई है क्लोजिंग बैलेंस फॉर डेटर इज RF 80,000, हमारा जो बैलेंस है
क्लोजिंग बैलेंस डेटर अकाउंट का, यानी कि जो हमने पैसे लेने हैं वो 80,000 हैं। अब इसमें देखें, पहली लाइन लिखी हुई है, वन ऑफ द डेटर मिस्टर फिल ओइंग 6,000 इज आल्सो क्रेडिटर टू होम एंटिटी हूज 7,500 ही इज कंसिडर एज अ गुड डेटर। कि हमने एक डेटर है हमारा जिसको हमने मिस्टर फिल का नाम दिया है, उससे 6,000 रुपए लेने हैं, लेकिन हमने उसके 7,500 देने भी हैं, लेकिन ये जो हमारा डेटर है ये ऐसा डेटर है इसको हम गुड डेटर कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है वो दे देता है। अब हमने ये जो हमारी एग्जाम्पल है इसमें करना क्या है, करना ही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगेंस्ट डेटर ऑफ द आरएफ 80,000 एंड पास द अकाउंटिंग एंट्री फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोविजन अज्यूमिंग दैट द ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स आर बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आरएफ 10,000। कि हमारा जो जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस डेटर का वो 80,000 है और हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स का वो 10,000 है। हमने करना क्या है, हमने जो है इसे कैलकुलेट करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें दी गई है। पहली जो हमें दी गई है वो ये है कि मिस्टर फिल से हमने जो है 6,000 लेना है। इसके बाद जो दूसरी दी गई है, अब देखें यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसमें देखें मिस्टर फिल हमने सबसे पहले लिया, इसके बाद जो है वो हमारे पास मिस्टर किल है। अब मिस्टर किल का देखें, वन ऑफ द डेटर मिस्टर किल ओइंग 10,000 इज स्पेसिफिकली डाउटफुल एंड 75% इज एक्सपेक्टेड टू रिकवरी फ्रॉम हिज स्टेट एज फाइनल डिविडेंड। कि हमने जो है मिस्टर किल को देखा, इस मिस्टर किल से जो है हम लोगों ने जो है वो 10,000 रुपए लेने हैं और उसमें भी हमारा जो है वो 75% जो है वो उम्मीद है कि वो रिकवरी हो जाएगी। इसके बाद अगली जो है वो क्या है, आगे मिस हिल है। मिस हिल से क्या है, मिस हिल से जो है हम लोगों ने 6,000 लेना है। तो यहाँ पे देखें मिस हिल का मैंने 6,000 लिख दिया। इसके बाद आगे जो है मिस्टर बिल है, तो मिस्टर बिल से देखें हमने 8,000 लेना है, इज एक्सपेक्टेड टू बी डाउटफुल 75%। इसमें देखें ये जो हमने 8,000 लेना है इसमें 75% जो है वो हमारा डाउटफुल है। कि पता है जी 75% की अमाउंट जो है वो मिलनी भी नहीं है और 25% जो है वो समझ लें हमें मिल रहा है। आखिर के अंदर हमें एक दी गई है, जनरल प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स इज एक्सपीरियंस्ड एज 5% ऑफ द डेटर बैलेंस। अब ये देखें कि हमारे पास मिस्टर फील का 6,000 है, 10,000 जो है वो मिस्टर किल का है, 6,000 मिस्टर हिल का है और 8,000 जो है मिस्टर बिल का है। तो ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 30,000 के डेटर्स बन गए। अब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का वो 80,000 है, तो बाकी का 50,000 किधर गया? बाकी का जो 50,000 है वो हमारा जनरल, हमारी समझ लें जो है वो डेटर्स हैं, ये हमारे बाय नेम हैं और बाकी सारे मिला के जो हैं वो हमारे जनरल डेटर वो 50,000 हैं। तो इस तरीके से हमारे जो टोटल डेटर हैं वो क्लोजिंग बैलेंस जो हमें शुरू के अंदर दिया गया वो 80,000 का। आप देखें मिस्टर फील के ऊपर हमें 0% है क्योंकि ही इज अ गुड डेटर। मिस्टर किल के ऊपर 25% का हमें दिया गया है कि 75% इज एक्सपेक्टेड टू रिकवरी, 75% जो है वो हमें पता है नहीं मिलने हैं और 25% जो है वो हमारा हमें पता है कि हमें मिल जाएंगे। मिस्टर हिल पे अगर जाते हैं तो वो देखें हमें 50% है कि 50% उसका डाउटफुल है और 50% जो है वो अनडाउटफुल है कि ये पता है कि 50% तक अमाउंट मिल जाएगी। इसके बाद आखिरी हमें मिस्टर बिल है, मिस्टर बिल हमें पता है जी 75% जो है वो डाउटफुल है, तो ये हमने 75% ले लिया। आखिर के अंदर हमारी जो जनरल डेटर्स हैं ये हमें दी गई है परसेंटेज के, ये हमारी 5% जो है ये हमारी जो है वो डाउटफुल है। तो यहाँ पे देखें हमने अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल निकालनी है, तो वो देखें 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हम जब किसी अमाउंट को 0 के साथ करते हैं तो वो हमारा जो है वो 6,000 ही आ जाएगा। इसके बाद देखें हमारा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25% 2,500 आ गया। इसके बाद हमारा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 50% 3,000 आ गया। ये आप क्या करेंगे, 6,000 ज़रब 50 और तकसीम 100 करेंगे तो आपके पास 3,000 आ जाएगा। इसी तरह
8,000 ज़रब 75 और तकसीम 100 तो 6,000 आ जाएगा, इसी तरह 50,000 और ज़रब 5 और तकसीम 100 करेंगे तो ये हमारे पास 2,500 आ जाएगा। तो ये हमारी डाउटफुल बैड डेट्स की प्रोविजन आ गई। अब हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल अमाउंट जो है हमारे पास जो बनती है वो हमारी 14,000 बनती है। अब ये देखें हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो जो अमाउंट दी गई है ओपनिंग हमारी प्रोविजन डाउटफुल बैड डेट्स की वो 10,000 दी गई है। यहाँ पे हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारी जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो देखें 10,000 है। अब क्लोजिंग हमने जो निकाली है वो हमारी 14,000 है, तो इसमें देखें 4,000 जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारा डाउटफुल बैड डेट्स के अंदर। तो हमने अभी जो पिछली स्लाइड के ऊपर वो एंट्रीज पढ़ी थी कि जब प्रोविजन इंक्रीज होती है फॉर डाउटफुल बैड डेट्स तो वो क्या करते हैं हम, तो वो उसकी एंट्री जो हम पास करते हैं वो ये करते हैं कि बैड डेट्स अकाउंट जो है वो 4,000 से डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स का जो अकाउंट है वो 4,000 से क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स जो है वो क्रिएट करनी है और इसकी कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आपको ये एक नया टॉपिक पसंद आया होगा और यकीनन आपको ये भी समझ आ गया होगा आपके बैड डेट्स क्या है, डाउटफुल बैड डेट्स क्या है, प्रोविजन क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब दोस्तों बारी आती है आपकी एक्सरसाइज की, तो जल्दी से जो है अपनी नोटबुक ओपन कर लें क्योंकि अगली स्लाइड के ऊपर जो है आपको आज की क्लास की एक्सरसाइज नजर आ रही है और ये आपने अगली क्लास में आने से पहले जो है वो सॉल्व कर लेनी है। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में अपनी जो डिस्कशन है वो जारी रखेंगे बैड डेट्स के ऊपर और प्रोविजन के ऊपर और डाउटफुल बैड डेट्स के ऊपर। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की बैड डेट्स की, हमने देखा डाउटफुल बैड डेट्स क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स क्या होती है, एग्जाम्पल हमने देखी, आखिर में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी। दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन हो और आपके लिए मैं इसी तरह वीडियो रिकॉर्ड करता रहूं। दोस्तों मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली अकाउंटिंग की क्लास में, उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।